कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा के बांग्लादेश हिंसा पर दिए विवादित बयान पर अब तक सियासत जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। कोई किसी को खटमल कह रहा है तो कोई किसी को शेर शेरनी की बात कह रहा है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा को लेकर बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण एक दिन देश की जनता भी प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएगी और कब्जा कर लेगी। उनके इस ऊटपटांग बयान को ध्यान में रखते हुए भोपाल नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सज्जन सिंह वर्मा को मच्छर और खटमल की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में बांग्लादेश जैसे हालत हो जाने की बात कह रहे हैं, तो उन्हें बता दें कि यह खटमल और मच्छर हैं जो इस तरह की बात करते हैं। हिंदुस्तान में शेर और शेरनियां रहती हैं। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को बताना होगा कि वह खुद कौन से खटमल हैं जो लोगों का खून चूस रहे हैं और कौन से मच्छर हैं जो नफरत का जहर फैला रहे हैं। पूरी दुनिया में जब पड़ोसी के यहाँ पर कोई विध्वंस होता है, विस्फोट होता है, तो पूरी दुनिया अपने घर की चिंता करती है। आपके पड़ोस में आग लग जाए तो आप अपने घर की जो है बंदोबस्त करेंगे कि नहीं करेंगे? और ये केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि अपने देश की चिंता करे, विपक्ष की भी जिम्मेवारी है कि वो देश के हालातों पर नज़र रखे और देश की जो है चिंता करे। तो सज्जन वर्मा ने तो ये चिंता की है। और जहाँ तक शेर और शेरनियों की जो दम्भोक्तियों की बात है, तो कलकत्ते और बंगाल के जंगल में ये शेर जो है शियार बन के क्यों वापस लौट आए? और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कैलाश विजयवर्गीय जी को कि उन्होंने कहा कि अब इस देश में खटमलों और मच्छरों का राज हो गया है। हिडन व हिडन वर्क की रिपोर्ट के बाद देश को स्पष्ट रूप से पता लग चुका है कि देश का जो है कौन से खटमल देश का खून चूस रहे हैं और वो एक्सपोज हो गए। तो सज्जन वर्मा के कंधे पे रखकर विजयवर्गीय जी ने किस पर बंदूक चलाई है ये बताएं कि वो कौन लोग खटमल हैं जो इस देश का खून चूस रहे हैं और वो कौन से मच्छर हैं जिनके कारण जो है इस नफरत का जो बुखार है रोज भारत में चढ़ता है, ये उन्हें बताना चाहिए। तो सच्ची बात कर रहे हैं कि देश पर मच्छरों और खटमलों का राज है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।